और आपको बताएं कि हवाई सफ़र ट्रेन और बस के सफ़र से भी सस्ता हो गया। एयरब्लू ने मुल्की तारीख का कम तरीन किराया मुतारिफ करवा दिया। लाहौर से कराची और कराची से इस्लामाबाद यक तरफा किराया 4,847 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। सईद अहमद से तफसीला जान लेते हैं। सईद, आगाह की जगह इस बारे में। जी बिल्कुल मदीहा, हवाई सफ़र जो है वो ट्रेन और बस के सफ़र से भी सस्ता है वो हो गया है। एयरब्लू ने मुझे तारीख कम तरीन किराया है मुतारफ़ करवाया है। लाहौर से कराची एक तरफा किराया जो है वो 4,847 रुपये, जबकि कराची से इस्लामाबाद भी जो एक तरफा किराया है वो 4,847 रुपये है मुकर्रर किया गया है। नए किरायनामों का इतलाक है वो आज से होगा। जबकि अगर बात करें ट्रेन के किराएनामे की, तो ट्रेन की जो बिजनेस क्लास का किराया है वो 5,000 रुपये, जबकि सफ़र जो है वो तकरीबन 18 घंटों में है वो ट्रेन तय करती है। इसके बरक्स जो बस का किराया है वो 5,040 रुपये, और जो सफ़र तय करती है बस वो तकरीबन 15 घंटों में लाहौर से कराची जो सफ़र है वो तय करती है। लेकिन इसके बरक्स जो हवाई सफ़र है वो 1.5 घंटे का है, और उसके लिए एयरब्लू ने मुल्की तारीख का कम तरीन किराया है वो तारफ़ करवाया है, जो कि 4,847 पर रखा गया है। और एयरब्लू इकामे के मुताबिक इस्तेलाक है वो आज से होगा, और एयरब्लू के दफातर और ऑनलाइन मुसाफर टिकटें बुक हुआ सकेंगे, जिसके अंदर लाहौर से कराची, कराची से लाहौर, जबकि लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर के लिए ये सहूलत है दोनों मुल्क मुसाफरों को दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।